एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। आज हम आपको एक ऐसे गांव ले चलते हैं जहां के ग्राम प्रधान ने सभी ग्राम प्रधानों का दर्द अपनी ही जुबानी बयान कर दिया। उनका कहना था कि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं जिस तरह से विधायक और सांसद, लेकिन हमारे साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। प्रधानों को मात्र 3500 रुपए का मानदेय मिलता है, जबकि सांसद और विधायकों को इससे कहीं ज्यादा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी का वेतन 25,000 है, लेकिन उसके मुकाबले ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का वेतन मात्र 3500 है। उन्होंने मांग रखी कि जल्दी ही सरकार इस बात पर अपना कोई फैसला ले और ग्राम प्रधानों को पेंशन की भी व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ जो मानदेय सरकार दे रही है वो राजकीय कोष से दिया जाए, ना कि ग्राम निधि से, क्योंकि ग्राम निधि का पैसा यदि मानदेय के रूप में हम ले लेंगे तो गांव का विकास प्रभावित होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मांग रखी कि पूरा पैसा सरकार उसी हिसाब से जारी करे जिस हिसाब से गांव की आबादी हो। गांव की आबादी के हिसाब से अगर पैसा आता रहेगा तो गाँव के विकास में चार चांद लगते देर नहीं लगेगी। उदल सिंह एडवोकेट, ग्राम पंचायत लोहारी खादर, LLB बीएड, ब्लॉक हसनपुर, जिला मोरहा। मेरे ग्राम पंचायत में दियावली खालसा मार्ग पर कच्ची सड़क नीचे हो गई, जिससे दो दो फीट लगभग पानी भरता है। उससे आने जाने को बड़ी दिक्कत होती है चौमासे में, इसलिए 500 मीटर लगभग सड़क नीचे होनी चाहिए गाँव की, और जो है 500 मीटर लगभग नाले का निर्माण होना चाहिए ग्राम पंचायत में। जो पनीर एक जो है लोहारी खादर से हसनपुर मार्ग की कच्ची सड़क है, जो लगभग 3 किलोमीटर सड़क है, वो होनी चाहिए, जिससे जो है गांव के लिए दूसरी रास्ता बन जाए किसी अड़ी भीड़ के लिए, और जो है कच्ची सड़कों का निर्माण होना चाहिए। और जो है मानदेय प्रधानों कम से कम 15,000 रुपये होने चाहिए, 3500 रुपये गलत है। एक जो है सफाई कर्मी का वेतन 25,000 रुपये है, रोजगार सेवक का वेतन 6,000 है, मास्टरों का वेतन 50,000 है, और बैंक कर्मचारियों का वेतन 1,00,000 है, और जो है विधायक का मानदेय 25,000 रुपये है। 25,000 तो देगा विधायक का, 25,000 है, और प्रधानों का 3500 रुपये, ये गलत है। ना जो है प्रधानों साथ अन्याय, और जो है प्रधानों को पेंशन मिलनी चाहिए बाद में, जैसे विधायक को पेंशन मिलती है और जो है MP को पेंशन मिलती है, तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए। और जो है हमारा जो पैसा आ रहा है जो है इसका मानदेय का, जो हमारा राजकीय कोष से मिलना चाहिए, ना कि हमारे निधि फर्स्ट खाते से मिलता है, वो गलत है। विकास का पैसा हमें दे रही है सरकार, 3500 रुपये दे रही है मानदेय, उसमें से घट रहा हमारा पैसा, तो पैसा हमें राजकीय कोष से मिलना चाहिए, जैसे जो है विधायकों को मिलता है और MP MLA को मिलता है, उससे हमें जो है अलग से पैसा मिलेगा मानदेय का, तो हमारा कुछ विकास बढ़ जाएगा गाँव का। और विकास का पैसा आबादी के हिसाब से बहुत कम आ रहा है, SC वोट हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो SC वोट को देखते हुए विकास का पैसा अधिक से अधिक मिलना चाहिए। और जो है गाँव में एक जो है बारात घर बनना चाहिए गाटर सिंगर 214 पे, और जो है पानी टंकी होनी चाहिए, गाँव का पानी दूषित है। जो है काली गदरौला फैक्ट्रियों का काला पानी आ रहा है गदरौला फैक्ट्रियों का, जिससे जो है हमारे गांव का पानी दूषित हो गया है। दूषित पानी होने की वजह से हमें एक टंकी पानी की सख्त ज़रूरत है, और नए नलों की 20 नलों की ज़रूरत है। गांव में पानी दूषित है, जगह जगह पानी की दिक्कत है, पानी दूषित होने से छोटे नलों देसी नलों में पानी गंदा आ रहा है, इस वजह से 20 नल कम से कम जो है वो मिलने चाहिए हैंडपम्प सरकारी हैंडमार्क का। और जो है पानी की निकासी की सही होनी चाहिए, और युवक मंगल दल पर अवैध कब्जा कर रखा है, उस पर जो है कब्जा मुक्त होनी चाहिए। और एक तालाब की ज़मीन है 251 नंबर, उस पर भी अवैध कब्जा कर रखा है ग्राम पंचायत के लोगों ने, और मैंने उन पर कार्रवाई करी तो मेरे खिलाफ़ केस डाल दिया उन लोगों ने, 214 वालों ने मेरे खिलाफ केस डाल दिया। और जो अवैध तालाब पर कब्जा कर रखा 251, उस पर भी मेरे खिलाफ़ कोर्ट में अदालत ने मजिस्ट्रेट ने मेरे उस पर स्टे दे दिया, जो कि गलत करा मजिस्ट्रेट, हमारे हसनपुर का मजिस्ट्रेट जो है गलत स्टे दे रहा है। ग्राम समाज की भूमि पर स्टे तो मिलने का वही नहीं है अधिकार, और स्टे दे रहे हैं वो, पैसे लेके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने अपने पद का। बस मेरी ये है, बस ग्राम पंचायत को जो है विकास के लिए थोड़ा